हेलो हेलो फ्रेंड्स, इज देयर एनीवन? हेलो, हेलो, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आप लोगों को? हेलो, इज देयर एनीवन? कोई है? हेलो, कोई जुटे हैं हमारे साथ लाइव क्लास पे? कोई नहीं है क्या? हेलो, सोनाली प्रजापति हाय मैम, महेश सिंह यस मैम, महेश सिंह हाय ओके। तो जैसा कि हमने आप लोगों को बताया था कि आज हम टेस्ट लेंगे, और फिर टेस्ट के साथ साथ बीच बीच में हम आपके लिए जो पेपर सेट लेके आए हैं ये पेपर भी करवाएंगे। तो और दो तीन लोग जल्दी से जुड़ जाइए। जयत्री साहा मुझे अभी जस्ट यूट्यूब पे कमेंट की थी, बट मैं लाइव आ रही थी इसलिए मैं उनको रिप्लाई नहीं दी हूँ। कुछ लोग और जुड़ जाएं। दो लोग ही जुड़े हैं, सोनाली और महेश, और एक दो लोग जुड़ जाएं जल्दी से। आवाज़ आ रही है ये आप लोग जल्दी से मुझे एक बार बता दीजिए। हाँ हाँ महेश जी, टेस्ट विथ ऑप्शंस ही है, ऑप्शंस लाई हूँ, डोंट वरी, और बहुत इजी क्वेश्चंस लाई हूँ। अनुराधा राजगूर हेलो मैम, हेलो डियर। ये देखिए, ये टेस्ट पेपर आप लोग के लिए बना के लाई हूँ। नितिन सहनी हेलो मैम, हेलो नितिन जी। डोंट वरी, इंग्लिश में देख के आप लोग घबराइएगा मत, क्योंकि मैं सब कुछ ट्रांसलेट करूँगी हिंदी में, और जो पेपर आप लोग के लिए लाई हूँ मैं टेस्ट पेपर, वो हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। और ऐसे भी टेस्ट जो मैं ले रही हूँ वो जो 3 क्लास हमने लाइव क्लास लिए थे उसी के ऊपर है, तो घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आती है तो कोई बात नहीं। नीतू शर्मा हाय नीतू जी ओके। तो जल्दी से एक बार सब बताइए कि क्या स्टार्ट किया जाए। मैं रेडी हूँ टेस्ट लेने के लिए, आप लोग टेस्ट देने के लिए रेडी हैं? और कल मैं एक चीज़ कहना चाह रही थी हेल्थ से रिलेटेड, जो कि कल मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा था, तो उस चक्कर में 10 मिनट 5 मिनट लेट भी हो गई और बोल भी नहीं पाई उसी हड़बड़ी में। तो अभी मैं कहना चाहूँगी कि फ्रेंड्स, आप सभी लोग एक पानी की बोतल साथ में लेके बैठिए, एक पानी की बोतल सभी साथ में लेके बैठिए। इससे क्या होगा, जो हम आधा 1 घंटा की क्लास लेते हैं इस बीच में हम खुद को डिहाइड्रेट भी कर पाएंगे, पानी भी पीते रहेंगे, 5-5 मिनट में 10-10 मिनट में 1-1 सीप लेते रहेंगे। इससे क्या होगा, हम डिहाइड्रेट रहेंगे और हमारा हेल्थ भी सही रहेगा। आई डोंट नो कौन कितने पानी पीते हैं, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। खाना अगर एक दिन नहीं खाएंगे तो चल जाएगा, बट बिना पानी के क्या रह सकते हैं। तो सभी से रिक्वेस्ट कर रही हूँ पानी की बोतल ले लें, क्योंकि एग्ज़ाम देना है तो हमें स्ट्रेस फ्री रहना है, और स्ट्रेस फ्री रहने का सबसे अच्छा चीज़ यही है कि हम पानी बीच बीच में पीते रहें, स्ट्रेस लेवल कम रहेगा किसी भी एग्ज़ाम में हो तो। हाँ, अब एनटीए नेट के एग्ज़ाम में बार बार पानी मत पीते रहिएगा, वरना पता चला 3 घंटा पानी पीने में कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। वहाँ पे पानी नहीं पीना है, वहाँ पे प्यास लगे तभी पीना है, बट क्लास के टाइम पे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पाल लघु चित्र पर दैश प्रभाव पाया जाता है। अजंता, एलोरा, बादामी, तीन ऑप्शन दिए हैं आप लोग को। पाल लघु चित्र पर दैस प्रभाव पाया जाता है, किसका प्रभाव पाया जाता है? अजंता का पाया जाता है, एलोरा का पाया जाता है या बादामी का पाया जाता है, किसका पाया जाता है? राइट आंसर जल्दी से बताएं। किसका प्रभाव पाया जाता है? अजंता का पाया जाता है। हाँ, जैनम खान, हेलो जैनम खान। दो लोग मुझे आंसर कर चुके हैं और लोगों का मैं वेट कर रही हूँ। दो लोगों का आंसर मिल चुका है, महेश और सोनाली और अनुराधा जी बता दिए हैं। आई एम वेटिंग फॉर, ओके सोनाली प्रजापति, ओके तो सोनाली जी आपका आंसर गलत है। सोनाली जी आपका आंसर गलत है, क्या आप अपने आंसर को करेक्ट करना चाहेंगे? जैनम खान एकदम राइट आंसर। सारे लोगों का आंसर सही आया है एक्सेप्ट सोनाली जी। सोनाली जी क्या, हाँ सोनाली जी पहले एक बताई हैं। अच्छा हाँ सोनाली जी आपने पहले किया है, दो का आप भी बता रहे हैं ना, तो जब हम क्वेश्चंस रीड आउट करें तभी आप दूसरा बताइएगा, ठीक है? ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। तो हाँ पहला का हो जाएगा, सही बता रहे हैं सोनाली जी, दो का भी आप सही बोले हैं, बिल्कुल सही बोले हैं दो का भी। बट जब मैं क्वेश्चंस रीड आउट करें तभी आंसर्स बताइएगा, प्लीज़ वेट कीजिए अदर का, ठीक है? तो पाल लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव पाया जाता है, बिल्कुल सही राइट आंसर, सभी ने सही जवाब दिया है। एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सोनाली जी, मुझे लगा कि आप एक नंबर का आंसर बता रहे हैं। हाँ दूसरा है सित्तन वासल गुफा मंदिर डैश धर्म से संबंधित है। सित्तन वासल गुफा मंदिर डैश धर्म से संबंधित है, कौन से धर्म से संबंधित है सित्तन वासल? हाँ आंसर मिल चुका है, सेकेंड का जैन एकदम राइट आंसर है, सेकेंड का जैन एकदम सही आप लोगों ने आंसर दिए हैं। तीसरा है द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया नेम्ड, दैट मीन्स कि न्यूज़पेपर जो कि इंडिया में सबसे पहले पब्लिश्ड हुआ था उसका नाम बताना है। बंगाल, बंगाल गजट, बंगाली जगत, राइट आंसर क्या होगा? पहला है बंगाल, दूसरा है बंगाल गजट, तीसरा है बंगाली जगत। तो द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, सबसे पहला न्यूज़पेपर जो कि भारत में पब्लिश्ड हुआ था उसका नाम बताना है। एक और दो का आंसर सभी ने बिल्कुल सही बताया है, पहला का हो जाएगा एलोरा, दूसरा का जैन और तीसरा का आंसर, ओके तीसरा का आंसर भी आप लोग बिल्कुल सही बता रहे हैं, बी नंबर बंगाल गजट। एक बार मैं टिक कर देती हूँ। पाल लघु चित्र पर अजंता का प्रभाव पाया जाता है, सित्तन वासल गुफा मंदिर जैन धर्म से संबंधित है और जो फर्स्ट न्यूज़पेपर इंडिया में पब्लिश्ड हुआ था उसका नाम है बंगाल गजट, ना कि बंगाली जगत। चार नंबर है ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है, बताना है ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है। ये क्वेश्चंस आप लोग सोच के रखिए। अभी हम चलते हैं अब हम कलकत्ता ग्रुप के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। अब कॉपी किताब लेके बैठ जाइए और ध्यान से सुनिए और समझिए। कलकत्ता ग्रुप फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1945, यानी कि कलकत्ता ग्रुप की जो पहला एग्जीबिशन हुआ था वो 1945 में हुआ था। कलकत्ता ग्रुप फर्स्ट एग्जीबिशन इन 1945, यानी कि 1945 में कलकत्ता ग्रुप का पहला एग्जीबिशन हुआ था। एंड देयर आर्टिस्ट आर प्रदोष दास गुप्ता, कमला दास गुप्ता, रथिन मित्रा, निरोध मजूमदार, पारितोष सेन, प्राण कृष्णा पाल, गोपाल घोष एंड सुबोध टैगोर। हाँ जयत्री साहा आप जुड़ गए हैं, धन्यवाद जुड़ने के लिए। एक्चुअली मैंने आपका यूट्यूब पे कमेंट देखी बट मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आपको रिप्लाई कर पाऊँ, मैं लाइव के लिए ऑन हो रही थी। सो धन्यवाद जुड़ने के लिए जयत्री जी। जयत्री जी मैं आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रही हूँ, पहला क्वेश्चन था जल्दी धर्म से संबंधित था, कौन से धर्म से संबंधित है। और तीसरा था द फर्स्ट न्यूज़पेपर पब्लिश्ड इन इंडिया, यानी कि जो फर्स्ट न्यूज़पेपर जो इंडिया में पब्लिश्ड हुआ है उसका नाम बताना है। और सित्तन वासल गुफा जो है कौन से रिलीजियन से, सित्तन वासल केव जो है मंदिर है वो कौन से रिलीजियन से रिलेटेड है बताना है आंसर। और पाल लघु चित्र पर किसका प्रभाव पाया जाता है। ओके, तो अगर जयत्री हूँ, प्रदोष दास गुप्ता, कमला दास गुप्ता, रथिन मित्रा, निरोध मजूमदार, पारितोष सेन, प्राण कृष्णा पाल, गोपाल घोष, सुबोध टैगोर। इसके फाउंडर मेंबर कौन है? कलकत्ता ग्रुप के फाउंडर मेंबर कौन है? तो कलकत्ता ग्रुप के फाउंडर मेंबर हैं आपके प्रदोष दास गुप्ता। देखिए यहाँ लिखा है फाउंडर मेंबर, तो कलकत्ता ग्रुप के फाउंडर मेंबर यानी कि इसी की खोज किसने किए? तो इसकी खोज जो की है प्रदोष दास गुप्ता ने किए। जैसा कि आप लोग जानते हैं पैक ग्रुप है, PEA है यानी कि प्रोग्रेसिव आर्ट एसोसिएशन, शिल्पा चक्रा, ये सब के तो आर्टिस्ट मेंबर है, बट इसकी खोज किसने की है, फाउंडर कौन है, ये जानना भी ज़रूरी है। तो कलकत्ता ग्रुप के फाउंडर मेंबर प्रदोष दास गुप्ता हैं। साथ ही साथ अबनी सेंड ज्वाइंड इन 1947, यानी कि बाद में कुछ और भी आर्टिस्ट हैं जिन्होंने ज्वाइन किए थे, जिसका कि मनीषा सैनी। हाय मनीषा जी। तो अबनी सेन बाद में ज्वाइन किए थे, कब? 1947 में। ओके, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? कलकत्ता ग्रुप समझने में कोई प्रॉब्लम? और मैं रिक्वेस्ट करूँगी आप लोग से कि जितने भी आर्टिस्ट मैं यहाँ पे नाम ली हूँ, ये सारे आर्टिस्ट को पढ़ के जाएं, सारे आर्टिस्ट पढ़ के जाएं। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं इन सब पे सेपरेट वीडियो बना दूँगी, रथिन मित्रा पे, निरोध मजूमदार पे, पारितोष सेन पे, गोपाल घोष, ये सब पे। इम्पॉर्टेंट क्या है ये देख लेते हैं। इम्पॉर्टेंट है इसमें से प्रदोष दास गुप्ता, रथिन मित्रा, निरोध मजूमदार, पारितोष सेन और गोपाल घोष। अगर आप सुबोध टैगोर और प्राण कृष्णा पाल नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा, नॉट इम्पॉर्टेंट, बट इनका डेट ऑफ बर्थ, सबका डेट ऑफ बर्थ याद कीजिए। हो सकता है कि इसे क्रोनोलॉजी में पूछ दिया जाए, इसलिए डेट ऑफ बर्थ सबका पढ़ के जाइएगा। सोनाली जी कह रही है बना देना, ठीक है सोनाली जी, आप एक कमेंट किए हैं और देखते हैं कुछ लोगों को अगर चाहिए होगी तो ज़रूर बना देंगे। महेश सिंह नो प्रॉब्लम, नीतू शर्मा नो मैम, ओके। तो ये इतना समझ में आ गया, जल्दी से यस कर दीजिए समझ में आ गया है तो। कलकत्ता ग्रुप इंग्लिश हिंदी दोनों में समझा दिए हैं। मुझे नहीं लगता है कि कहीं किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी आई होंगी। अब हम पर जिंक सिल्वर, दूसरा ऑप्शन है जिंक टीन कॉपर, तीसरा ऑप्शन है सिल्वर कॉपर टीन। तो ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ, ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ कॉपर, जिंक सिल्वर, जिंक टीन कॉपर, सिल्वर कॉपर टीन। ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? जल्दी से 4 नंबर का आंसर कीजिए। हाँ, नितिन सैनी पहले कर चुकी हैं 4 का B, सोनाली प्रजापति 4 का B, महेश सिंह 4 का B, अनुराधा राजगुवर 4 का B। बिल्कुल सही जवाब है ब्रॉन्ज इज एन एलॉय ऑफ जिंक टीन कॉपर। ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? तो जिंक टीन कॉपर का है। नेक्स्ट चलते हैं 5 नंबर। 5 नंबर है सोमनाथ होरे इज नोन एज पेंटर, प्रिंट मेकर एंड स्कल्प्टर, रिकॉग्नाइज हिज पेंटिंग। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सोमनाथ पेंटर जो कि हैं, पेंटर्स के रूप में भी जाने जाते हैं, स्कल्प्टर के रूप में भी जाने जाते हैं और छापा चित्रण के भी रूप में जाने जाते हैं। अब हमें यहाँ पे इनकी यहाँ पे पेंटिंग नहीं होगा, यहाँ पे प्रिंट मेकिंग ही होगा। बस ये आप लोग हमें बता दीजिए कि ये 3 में से उंड, मदर और डजन, ये तीनों में से एक इनका काम है। तो बताइए कि कौन सा इनका काम है, उंड है या मदर है या डजन है। एकदम सही जवाब आ रहा है। यहाँ पे मैं आप लोग को बता दूं कि सोमनाथ होरे ने मदर एंड चाइल्ड, मदर एंड चाइल्ड नाम की काम किए हैं, इनका टाइटल है काम का, बट मदर बोल के कोई काम नहीं है, मदर एंड चाइल्ड बोल के है, ठीक है। तो डोंट बी कंफ्यूज। बिल्कुल सही जवाब है 5 का ए, यानी कि सोमनाथ होड़े का जो काम है उंड पेपर मेसे में है, ये तो पता ही होगा, पेपर मेसे में किए हैं, और सीरीज में काम है, सीरीज मीन्स कि बहुत सारे काम हैं इनके, उंड के, इसे ढेर सारा काम है, सीरीज में है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बताइए 6 नंबर, कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक हैं। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक कौन है? निहाल चंद, संसार चंद, सावंत सिंह। हु इज द कंजर्वेशन ऑफ कांगड़ा पेंटिंग, कांगड़ा मिनिएचर पेंटिंग? निहाल चंद, संसार चंद, सावंत सिंह। बिल्कुल सही जवाब। मनीषा जी, अनुराधा जी, महेश जी, सोनाली जी, सभी का जवाब आ चुका है और सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अंशु जी भी ज्वाइन की हैं लगता है, रीनू वर्मा, सभी इसका जवाब दिए हैं, बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का। नीतू शर्मा, हाँ, तो सभी ने आंसर कर दिए हैं। अब मैं आप लोग को राइट आंसर बता दूँ तो ब्रॉन्ज किसका मिश्रण है? जीन टिंक कॉपर का। सोमनाथ होड़ बता ही दी हूँ कि उनके पेंटिंग का नाम उंड है जो कि पेपर मैसे में है, और कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक हैं संसार चंद, बिल्कुल सही जवाब था 6 का बी। अब कुछ नया पढ़ेंगे, बात करेंगे एम.बी. धुरंधर के बारे में, बात करेंगे जो कि पेंटर हैं। एम.बी. धुरंधर का जन्म 1867 में हुआ था, 1867 में, एंड इनकी मृत्यु हुई थी 1944 में, यानी कि 1944 में। ये कहाँ के रहने वाले हैं एम.बी. धुरंधर? एम.बी. धुरंधर कोल्हापुर के रहने वाले हैं, और कोल्हापुर कहाँ है? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र में है। एम.बी. धुरंधर वाज ए पेंटर ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी कि एम.बी. धुरंधर तब के आर्टिस्ट हैं जब इंडिया में ब्रिटिश का रूल चलता था, ब्रिटिशों का शासन चलता था, उस समय के पेंटर हैं एम.बी. धुरंधर। ही वॉज ए नोटेड इंडियन पेंटर एंड पोस्टकार्ड आर्टिस्ट, ये जो कि है एम.बी. धुरंधर इंडियन पेंटर और पोस्टकार्ड आर्टिस्ट के लिए जाने जाते हैं। तो सिंपली आपको याद रखना है 3 चीज़ यहाँ पे। एम.बी. धुरंधर 1867 में इनकी जन्म हुई है। एम.बी. धुरंधर कहाँ के रहने वाले हैं? तो कोल्हापुर महाराष्ट्र के। हो सकता है कभी आपको ऑप्शन में महाराष्ट्र दे दे और कभी आप ऑप्शन में आपको कोल्हापुर दे दे, महाराष्ट्र ना दे, तो आपको दोनों याद रखना है, दोनों याद रखना है, ठीक है। और अगर दोनों दे दे तब क्या करेंगे? बाय चांस अगर ऑप्शन में कोल्हापुर भी दे दे और महाराष्ट्र भी दे दे तो हम किस में सही करेंगे? तब हम करेंगे सही कोल्हापुर में, क्योंकि कोल्हापुर जगह का नाम है और महाराष्ट्र स्टेट का नाम है, तो इनका जन्म कोल्हापुर में हुआ है ना कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र स्टेट है। तो इस चीज़, इस कन्फ्यूजन से बचिएगा। डीएसएसबी में इस तरह से एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, नॉट एम.बी. धुरंधर बट कोई एक आर्टिस्ट है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, और उसके प्लेस का भी नाम दिया गया था और स्टेट का भी नाम दिया गया था। बहुत लोग आराम से स्टेट का नाम लगा दिए क्योंकि स्टेट याद रहता है लोगों को, डिटेल में नहीं पढ़ते हैं तो प्लेस नहीं याद रहता है, तो ऐसी गलती मत कीजिएगा। अगर दोनों ऑप्शन रहे तो कोल्हापुर दीजिएगा, तो ऑप्शन को भी ध्यान से पढ़ा कीजिएगा। नेक्स्ट है, हिज इलस्ट्रेशंस ऑफ वेमेन इन देयर डेली लाइफ आर स्पेशली पॉपुलर, यानी कि एम.बी. धुरंधर जो भी अपने काम किए हैं उसमें से वुमेन पे उन्होंने काम किए हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। अच्छा, महेश जी कह रहे हैं कि मैम प्लीज़ पहले टेस्ट ले लें, इस तरह बीच बीच में प्रॉब्लम होती है। ओके, तो ठीक है, एज यू विश। चलिए, पहले उसी में आप लोग की हम नॉलेज को देख लेंगे। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर, अल्बर्ट ड्यूरर बॉर्न ऑन, एकदम फ्रेश फ्रेश पढ़े हैं, याद होगा, कल ही पढ़े थे। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब हुआ है बताना है, 1471, 1571, 1475 या फिर 1372। अल्बर्ट ड्यूरर बॉर्न ऑन, अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म कब हुआ, 1471, 1571, 1475 या फिर 1372। राइट आंसर जल्दी से कमेंट कीजिए। ओके, बिल्कुल सही जवाब आ चुका है नीतू जी, सोनाली जी, अनुराधा जी। आई एम वेटिंग फॉर अनदर स्टूडेंट्स। बिल्कुल सही जवाब नितिन सैनी, रीनू जी। देयर आर मोर पीपल, ओके नीलम जी बिल्कुल सही, मनीषा सैनी बिल्कुल सही। आई एम वेटिंग फॉर जयत्री साहा। जयत्री साहा, आप कमेंट करना चाहेंगे? उनका कमेंट थोड़ा डिले आ रहा है, लग रहा है कि मुझे उनकी थोड़ी कुछ प्रॉब्लम है, उनके नेटवर्क की इशू की कोई प्रॉब्लम है। चलिए, सबका आ गया है, अब हम वेट नहीं करेंगे। अल्बर्ट ड्यूरर का जन्म, बिल्कुल सही जवाब 1471, बिल्कुल सही जवाब 1471। नेक्स्ट है मेलनकोलिया, मेलनकोलिया 1 है, ये आप लोग को रिकॉग्नाइज करना है, ये काम है एक आर्टिस्ट का। मेलनकोलिया एक आर्टिस्ट का काम है और आपको इसमें से रिकॉग्नाइज करना है कि ये क्या है। यहाँ पे एक ऑप्शन छूट गया है, सी, सी भी एक ऑप्शन है, सी है आपका ऑप्शन इनग्रेविंग अल्बर्ट ड्यूरर। पहला ऑप्शन है इनग्रेविंग बाय लियोनार्डो दा विंची, दूसरा ऑप्शन है वुडकट बाय अल्बर्ट ड्यूरर और तीसरा ऑप्शन है इनग्रेविंग बाय अल्बर्ट ड्यूरर। मेलनकोलिया 1 काम है, बताना है कि ये काम कौन से आर्टिस्ट का है और मीडियम क्या है। इनग्रेविंग है लियोनार्डो दा विंची के द्वारा, वुडकट है अल्बर्ट ड्यूरर के द्वारा या फिर सी है इनग्रेविंग अल्बर्ट ड्यूरर का। राइट आंसर क्या है जल्दी से कमेंट करें। 8 नंबर का आंसर अभी तक मुझे किसी ने भी नहीं दिए हैं। हाँ महेश सिंह मैम बोलिए, क्या कहना चाहते हैं? कोई भी अभी तक मुझे इसका आंसर नहीं दे रहे हैं 8 नंबर का। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ अगेन, मेलनकोलिया 1 एक आर्टिस्ट का काम है, बताना है वो कौन से आर्टिस्ट हैं। इनग्रेविंग बाय अल्बर्ट ड्यूरर, वुडकट बाय अल्बर्ट ड्यूरर या फिर इनग्रेविंग बाय लियोनार्डो दा विंची। ओके अनुराधा जी, इनग्रेविंग, तो इनग्रेविंग तो है बट इनग्रेविंग किसका है, लियोनार्डो दा विंची का है या फिर अल्बर्ट ड्यूरर का है, ये बताइए। नीतू सिंह ड्यूरर, हाँ वैष्णवी शर्मा इट्स ड्यूरर। वैष्णवी जी ड्यूरर का काम है ठीक है, बट क्या इनग्रेविंग है या वुडकट है? मेलनकोलिया 1 वुडकट है या फिर महेश सिंह ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनग्रेविंग बाय अल्बर्ट ड्यूरर. दिस इज द राइट आंसर. सी इज द राइट आंसर. मेलेंकोलिया वन कल ही हम बताए थे. तीन काम है अल्बर्ट ड्यूरर का जो कि इनग्रेविंग में है और तीनों ही मास्टर प्रिंट है. एक है मेलेंकोलिया वन, एक है नाइट्स डेथ एंड द डेविल और तीसरा है सेंट जेरोम इन हिज स्टडी. मेलेंकोलिया वन का कोई डेट बताना चाहेंगे? मेलेंकोलिया वन कब बन के तैयार हुई है? मेलेंकोलिया वन जो इनग्रेविंग है इसका कोई टाइमलाइन डेट बताना चाहेंगे कब ये प्रिंट बन के तैयार हुआ था? ये इनग्रेविंग कब बन के तैयार हुई थी इसका डेट? ओके, मैं ऑप्शन आप लोग को दे देती हूँ. 1512, 1513 और 1514. अब बताइए ए बी सी में से कौन होगा? 1512, 1513, 1514. ओके, चलिए सही जवाब आ चुका है. फिर से मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ. मेलेंकोलिया वन अल्बर्ट ड्यूरर की पेंटिंग है, सॉरी प्रिंट मेकिंग है, इनग्रेविंग है. डेट आप लोग को कमेंट करना है 1512, 1513 या 1514. ठीक है, मुझे राइट आंसर मिल चुका है. सभी ने एकदम बिल्कुल सही जवाब दिए हैं. 1514 ऑप्शन सी था बिल्कुल सही जवाब. चलिए एक क्वेश्चंस मैं ऐसे ही पूछती हूँ क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चंस है. चलिए ये बताइए हमें नटराज जो स्कल्पचर है वो कौन से पीरियड का है? नटराज की जो मूर्ति है वो कौन से पीरियड की है? क्या इसके लिए भी ऑप्शन चाहिए? चलिए दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं. पल्लवा, चोला, पांड्या नटराज जो कि स्कल्पचर है वो कौन से पीरियड का है? पल्लव, चोलव, पांड्या. बिल्कुल सही जवाब आ रहा है. ठीक है, सब ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं. चोला पीरियड का है, बिल्कुल सही जवाब. अब हम चाहते हैं कि नटराज से रिलेटेड एक क्वेश्चंस और आप लोग से करूं विदाउट ऑप्शन. विदाउट ऑप्शन अगर जवाब नहीं दे पाएंगे तो हम ऑप्शन देंगे. नटराज की जो मूर्ति है ये बताइए कि वो कौन से मीडियम में है? कौन से मीडियम में है? माध्यम क्या है? वुड है, क्ले है, क्या है? मीडियम क्या है? नटराज की जो मूर्ति है उसका मीडियम क्या है ये बता दीजिए. शेरिल गुप्ता चोला बिल्कुल सही. जैनम खान चोलकी, हाँ बिल्कुल सही है. हाँ अनुराधा जी बिल्कुल सही. महेश सिंह बिल्कुल सही जवाब आ चुका है नटराज मीडियम का. आई एम वेटिंग फॉर अदर स्टूडेंट्स प्लीज आंसर्स. बिल्कुल सही जवाब. ओके, बहुत अच्छा लगा कि विदाउट ऑप्शन भी आप लोग क्वेश्चंस को कर पा रहे हैं. तो नटराज जो कि स्कल्पचर है चोला पीरियड की और इसकी जो मीडियम है वो ब्रॉन्ज है यानी कि कांस्य. बिल्कुल सही, ब्रॉन्ज है. ओके, तो यहाँ पे आप लोग का टेस्ट सीरीज ख़त्म होता है. 10 क्वेश्चंस हम पूछ चुके हैं. अब हम आप लोग को एमबी धुरंधर से वगैरह एक्सेट्रा एमबी धुरंधर में थे. एमबी धुरंधर से स्टार्ट करते हैं. एमबी धुरंधर का जन्म 1867 में हुआ था, मृत्यु 1944 में और इनका जन्म कोल्हापुर में महाराष्ट्र में हुआ था. एमबी धुरंधर जो कि हैं इंडिया के आर्टिस्ट हैं और ये एम.बी. धुरंधर ब्रिटिश रूल, जब इंडिया में ब्रिटिश शासन था उसके टाइम के आर्टिस्ट हैं। ही वॉज ए नोटेड इंडियन पेंटर एंड पोस्ट कार्ड आर्टिस्ट। तो एम.बी. धुरंधर को इंडियन पेंटर और पोस्ट कार्ड आर्टिस्ट के लिए जाना जाता है। फिर आप हिज इलस्ट्रेशंस ऑफ वुमेन इन देयर डेली लाइफ आर स्पेशली पॉपुलर, यानी कि एम.बी. धुरंधर के जो इलस्ट्रेशंस हैं उन्होंने वुमेन पे कुछ इलस्ट्रेशंस किए हैं डेली लाइफ को लेके, वो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। तो याद क्या रखना है, इलस्ट्रेशंस। पूछ दिया जाए कि एम.बी. धुरंधर ने जो इलस्ट्रेशंस किए हैं, एम.बी. धुरंधर ने जो इलस्ट्रेशंस किए हैं उसका थीम क्या है। हो सकता है वुमेन दे दे, मैन दे दे, तो याद रखना है वुमेन, वुमेन, ठीक है। नेक्स्ट है सेल पोर्ट्रेट। एम.बी. धुरंधर ने सेल पोर्ट्रेट भी किए हैं। ऑयल पेंटिंग ऑन कैनवास 1928 में। हिज पॉपुलर वर्क्स डॉक्यूमेंटिंग द सिटी ऑफ बॉम्बे एंड इट्स पीपल, इनके जो भी काम है, इनके काम जो भी पॉपुलर वर्क हैं एम.बी. धुरंधर के, उसका थीम क्या है, सिटी ऑफ बॉम्बे एंड इट्स पीपल, यानी कि बॉम्बे में के रहने वाले, बॉम्बे के शहर में जो लोग रहते हैं और वहाँ के जो लोग हैं उस पर इन्होंने दस्तावेज बनाए हैं। एज वेल एज पेंटिंग सीन्स फ्रॉम हिंदू माइथोलॉजी एंड उमार खय्यम सीरीज, साथ ही साथ हिंदू माइथोलॉजी यानी कि हिंदू के पौराणिक चीज़ों से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं और उमार खय्यम सीरीज, ये तीन चीज़ इसके काम में मिलेगा आपको। एम.बी. धुरंधर के काम में तीन चीज़ मिलेगा, सिटी ऑफ बॉम्बे और वहाँ के लोग, हिंदू मैथोलॉजी और उमार खय्यम सीरीज। तो यहाँ से चार पाँच छः क्वेश्चन आ रहे हैं, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, ये मैं आपको लोगों को बता दूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इनका जन्म, प्लेस, कौन से स्टेट के रहने वाले हैं, काम किस चीज़ से इन्फ्लुएंस है, कौन से काम करते हैं, तो हिंदू मैथोलॉजी पे, और सिटी ऑफ बॉम्बे। उमर खय्यम नहीं पूछेगा क्योंकि उमर खय्यम के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अवनींद्रनाथ टैगोर, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट नहीं हुआ। चलिए अब हम बात कर लेते हैं एसल हल्दनकर के बारे में। एसल हल्दनकर के बारे में ओनली 10 क्वेश्चंस मैम, नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस थोड़े इंक्रीज करें प्लीज़, मिनिमम 30। बिल्कुल महेश जी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली मैं टेस्ट सीरीज में बस आप लोग को ये देखना चाहती थी कि आप लोग को कितना याद है, इसीलिए मैं बहुत कम क्वेश्चंस लाई हूँ। अगर फिर भी आप लोग चाहते हैं तो मैं बीच बीच में ऐसे एक एक क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ, बट आप ही लोग डिस्टर्ब होंगे। तो एसल हल्दनकर का जन्म जो कि है 1882 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1968 में हुई थी। हमेशा डेट ऑफ बर्थ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, मृत्यु याद रखने की इतना आवश्यकता नहीं है, डेट ऑफ बर्थ याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ही वॉज एक्कम्प्लिश्ड इन बोथ वाटर कलर्स एंड ऑयल विथ ए स्पेशल मास्टरी ओवर पोर्ट्रेट्स, यानी कि एसल हल्दनकर जो कि हैं वो वाटर कलर ऑयल के लिए विख्यात हैं, वाटर कलर और ऑयल के लिए, यानी कि जल रंग और तेल रंग, जल रंग और तेल रंग के लिए जाने जाते हैं। स्पेशली मास्टर्स ओवर पोर्ट्रेट्स, यानी कि ख़ास तौर पे इन्होंने पोर्ट्रेट पे बहुत ही ज़्यादा इनका कमांड है, यानी कि जैसे कि हम लोग स्पेशलाइजेशन भी जब करते हैं पेंटिंग में तो कहते हैं ना कि आपका क्रिएटिविटी क्या है, आप क्या क्रिएटिव पेंटिंग से हैं, तो उसी तरह से एक स्पेशलाइजेशन पेंटिंग के अंदर भी होता है कि उसमें किसके ऊपर आपको मास्टरी है, किसके ऊपर आपका कमांड ज़्यादा, अगर कहें तो कुछ लोग का लैंडस्केप पे ज़्यादा कमांड होता है, कुछ लोगों का पोर्ट्रेट पे ज़्यादा कमांड होता है। सुनिए, मेरी राइटिंग पे मत जाइएगा जो मैं लिख रही हूँ। कुछ लोगों का कंपोजिशन पे कमांड होता है, उसी तरह से एसल हल्दनकर का कमांड जो कि है पोर्ट्रेट पे है। हो गया। ही फाउंडेड द आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया इन 1918 एंड बिकेम इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एसल हल्दनकर जो कि हैं आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर हैं। आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की खोज किसने की है, तो एसल हल्दनकर ने की है। कब, 1918 में। कब किए हैं, 1918 में। शिवानी तनवर, हेलो मैम। और फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, किसके, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं। कौन रहे हैं, एसल हल्दनकर। वेस्टर्न के कौन कौन से आर्टिस्ट इम्पोर्टेंट हैं नेट के लिए? मैम आप बता भी दीजिए प्लीज़। बिल्कुल बिल्कुल बताएंगे, वेस्टर्न आर्टिस्ट लेके आए हैं, वेट कीजिए वीडियो को अंत तक, वेस्टर्न आर्टिस्ट लेके आए हैं, डोंट बी वरी। मैम नोट्स हिंदी में प्लीज़। बिल्कुल हाँ, नोट्स से रिलेटेड आज मैं आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूँ कि जिनको भी नोट्स चाहिए वो मुझे ईमेल करें। मैं ईमेल आईडी दे दूँगी, यहाँ पे नहीं लिख रही हूँ मैं, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में जाइएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ और भी जो 3 लाइव क्लास हो चुके हैं वो तीनों लाइव क्लास के डिस्क्रिप्शंस में मैं अपना ईमेल आईडी का लिंक दे दूँगी। उस ईमेल आईडी पे आप लोग मुझे, मैं वहाँ पे मेंशन कर दूँगी क्या क्या देना है, उस ईमेल आईडी पे मुझे ईमेल कर दीजिएगा, खास करके कि किसको कौन से लैंग्वेज में चाहिए, किसको हिंदी में नोट चाहिए और किसको इंग्लिश में नोट चाहिए और किस पर्पस के लिए चाहिए ये भी कमेंट कीजिएगा। जिसको यूजीसी नेट के लिए चाहिए कमेंट कीजिए, केवीएस के लिए चाहिए कमेंट कीजिए। खैर अभी केवीएस एनवीएस का एग्जाम नहीं है, अभी सब नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऑब्वियसली नेट का ही नोट चाहिए होगा। तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूँगी, थोड़ा देर होगा डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ने में, तो वेट कीजिएगा, हड़बड़ाइएगा मत, 1-2 घंटा के अंदर लिंक दे दूँगी। फिर अगर आप लोग चाहें तो यहाँ से नोट डाउन भी कर सकते हैं। ये है ईमेल आईडी, इस पर मैं आप लोग को रिप्लाई कर सकती हूँ। MIJESHKUMARJMP@gmail.com MIJESHKUMARJMP@gmail.com। सारे ही लेटर स्मॉल होंगे। इस पर आप लोग मुझे ईमेल कीजिए कि किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं और नोट्स कौन से लैंग्वेज में चाहिए, नोट्स हिंदी में या इंग्लिश में। ओके, तो हम बता दिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा कि आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के फाउंडर कौन है, तो SL हल्दनकर है। कब फाउंड किए थे? 1918 में। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन थे आर्ट ऑफ सोसाइटी इंडिया के? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट SL हल्दनकर थे। इनके काम देख लेते हैं, इनके काम है ग्लो विथ होप, वुमेन विद द लैम्प, ग्लो विथ होप, वुमेन विद द लैम्प, और ए महमेदियन पिलग्रिम। ठीक है, SL हल्दनकर के काम बता दिए हैं। और भी काम है जैसे कि ए भोंसेल, पोर्ट्रेट ऑफ गैल स्टोन, सॉलमन ऑयल, JJ स्कूल ऑफ आर्ट, ये आर्टिस्ट हैं ए भोंसाले और JM अहिवासी। तो ए भोंसाले इम्पॉर्टेंट नहीं है बट JM अहिवासी इम्पॉर्टेंट है। और JM अहिवासी का काम है मैसेंजर, मीडियम है टेम्परा, सेंचुरी, कलेक्शन है POWM यानी कि प्रिंस ऑफ वॉल्स म्यूजियम। तो देखिए बहुत बार फुल फॉर्म पूछा जाता है, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है POWM। तो प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहाँ है ये जानना भी ज़रूरी है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम आप लोग का मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। JM अहिवासी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, इससे हमेशा एक क्वेश्चन पूछा जाता है या तो क्रोनोलॉजी में या फिर इसके काम से। ओके, ज़रूर ज़रूर महेश जी बिल्कुल बताएंगे 12वीं से 20वीं सदी के वेस्टर्न आर्टिस्ट स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल, नेक्स्ट मेरी जो टॉपिक होगी उसी पे होगी। मैम आप टेलीग्राम पे अकाउंट बनाइए प्लीज़। अनुराधा जी एक्चुअली मैं इस बारे में सोची नहीं हूँ, जैसे ही टेलीग्राम पे ग्रुप बनाऊंगी बताऊंगी। यस मैम, नोट्स हिंदी होने चाहिए मैम। बिल्कुल, आप लोग मुझे ईमेल आईडी पे ईमेल कीजिएगा, जिसको हिंदी में चाहिए किसको इंग्लिश में चाहिए। ओके, ये काम है, चलिए आप लोग यहाँ पे मुझे बताएंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है और बहुत ही ईजी काम है, तो मुझे लगता है कि आप सभी लोग मुझे बता पाएंगे। इसलिए सबसे पहले बताइए कि ये काम किसका है, वेमेन इन चारपाई और हल्दी ग्राइंडर। मुझे लगता है कि विदाउट ऑप्शंस आप लोग बिल्कुल ये कर पाएंगे। मुझे जल्दी से बताइए कि वुमेन इन चारपाई और हल्दी ग्राइंडर कौन से आर्टिस्ट का काम है, हिंट दे देती हूँ, 19th सेंचुरी के आर्टिस्ट हैं, जो भी आर्टिस्ट हैं 19th सेंचुरी के हैं। टेल मी द राइट आंसर्स क्विकली। हाँ महेश जी, देखते हैं कब टेलीग्राम पे मैं अकाउंट बनाती हूँ, काफ़ी टाइम से मुझे लोग बोल रहे हैं। बनाने का तो आधे घंटे में अकाउंट मुझे लगता है बन जाएगा। बिल्कुल सही जवाब नीलम जी। कोई और बताना चाहेंगे? वुमेन इन चारपाई एंड हल्दी ग्राइंडर बहुत ही इम्पॉर्टेंट काम है, कौन से आर्टिस्ट का है? मैं बता भी चुकी हूँ, अगर मेरे प्रीवियस वीडियो आप लोग देखे हैं तो उसमें मैं ये पेंटिंग बता चुकी हूँ किसकी है। नीलम जी का आंसर आ चुका है और बिल्कुल सही आंसर है नीलम जी आपका। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिए कि मैम नहीं आता है, ताकि मैं आंसर बता पाऊँ। बिल्कुल सही नितिन जी, सोनाली जी बिल्कुल सही, शेरिल गुप्ता। ओके, एक और हिंट दे रही हूँ अगर जो आंसर नहीं दे पा रहे हैं। वुमेन आर्टिस्ट हैं, जो आर्टिस्ट हैं वो वुमेन आर्टिस्ट हैं, यानी कि फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं। अब बताइए, ये जो आर्टिस्ट हैं ये फ़ीमेल आर्टिस्ट हैं। वुमेन इन चारपाई एंड हल्दी ग्राइंडर उन्हीं का काम है, एंड सी इज ए फीमेल आर्टिस्ट। सॉरी ये नहीं होगा। बिल्कुल सही जवाब। आई कांट वेट मोर। अब मैं आप लोग को राइट आंसर बता देती हूँ, जिनको आंसर देना था दे चुके हैं। तो ये आपका काम है अमृता शेरगिल का, ये दोनों ही काम अमृता शेरगिल का है। अब तो समझ आ ही गया। क्या समझ मैम, सब तो बता दिया। ओके, अमृता शेरगिल का है। तो वुमेन इन चारपाई का जो मीडियम है ऑयल है, और ये एनजीएमए में है। अब जल्दी से मुझे एनजीएमए का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए, एनजीएमए का फुल फॉर्म कमेंट कीजिए। हल्दी ग्राइंडर भी अमृता शेरगिल का है। बोथ वर्क्स आर बिलोंग्स टू अमृता शेरगिल and both works medium is the same oil color and both works is dissipated in the same museum which is NGMA. Tell me right now what is the full form of NGMA? NGMA का full form क्या है? Oil in चारपाई, sorry women in चारपाई, हल्दी grinder, ये दोनों ही काम अमृता शेरगिल का है और दोनों का मीडियम ऑयल है, दोनों ही काम एनजीएमए में है। एनजीएमए का फुल फॉर्म क्विकली। एनजीएमए मैम ये नेम तो पहली बार सुन रहा हूँ। बिल्कुल नहीं महेश जी, कितना बार मैं बता चुकी हूँ। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ एनजीएमए का फुल फॉर्म। बिल्कुल सही जवाब नीतू जी, सोनाली शेरिल। बिल्कुल सही जवाब है दोनों का ही, शेरिल का भी और सोनाली जी का भी। राजेंद्र यादव बिल्कुल सही जवाब। राजेंद्र जी बहुत लेट ज्वाइन किए हैं, कोई बात नहीं, आप स्टार्ट से वीडियो देख लीजिएगा। जयत्री साहा बिल्कुल सही जवाब। हाँ, तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट ही होता है। मुझे एक शक हो रहा है, मुझे लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे चीटिंग कर रहे हैं, वो जाके पहले नेट पे सर्च कर लेते हैं उसके बाद आंसर्स कर रहे हैं। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगा इसलिए मैं बोली। एनीवे, तो बिल्कुल सही जवाब है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, जिसे हिंदी में नगमा भी बोलते हैं। बिल्कुल सही जवाब है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट। और ये दिल्ली के साथ साथ मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है, बट जो सबसे पहले बना है वो दिल्ली में बना है, इसलिए दिल्ली वाला ही फेमस है रादर देन बेंगलोर एंड मुंबई। और इसे हिंदी में नगमा इस तरह से भी लिखा रहता है। जैसे ही आप एनजीए में जाइएगा तो उसके सामने में हिंदी में नगमा लिखा होता है। ओके, चलिए वेस्टर्न आर्टिस्ट की लिस्ट मांग रहे थे तो ये लीजिए वेस्टर्न आर्टिस्ट की लिस्ट आ गए हैं आप लोग के सामने। ये जितने भी आर्टिस्ट हैं मैनरिज्म के हैं। सॉरी फॉर हैंड राइटिंग मैं बहुत स्पीड में लिखी थी। पोंतोर्मो मैनरिज्म के आर्टिस्ट हैं। सबसे पहला आर्टिस्ट है पोंतोर्मो। तो अगर आप लोग को पूछे क्वेश्चंस कि मैनरिज्म के आर्टिस्ट कौन हैं और ऑप्शन में रहे लियोनार्डो दा विंची, पोंतोर्मो, जैक लुई दाबी और क्लाउड मोने, तो राइट आंसर हो जाएगा पोंतोर्मो। दूसरा है, लिख लीजिए जल्दी से, पोंतोर्मो। और मैनरिज्म कब आया? तो हाई रेनेसां के बाद मैनरिज्म आया। जब हाई रेनेसां ख़त्म हो गया, हाई रेनेसां के बाद मैनरिज्म का एंट्रेंस हुआ है। तो मैनरिज्म के आर्टिस्ट है पोंतोर्मो। दूसरे आर्टिस्ट का नाम है पारामिजियानिनो। ठीक है, दूसरे आर्टिस्ट का नाम है पारामिजियानिनो या फिर पारामिजिनो। अब हिंदी में देखिए प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आई डोंट नो। पार्मिजियानो भी कुछ लोग लिख देते हैं, पार्मिजियानो, सिर्फ पार्मिजियानो। बिल्कुल सही महेश जी, मैं एग्री करती हूँ आपके साथ। महेश जी कह रहे हैं कि ये आर्टिस्ट के नाम तो ऐसे लगते हैं जैसे कि मेडिसिन्स के नाम हो। मुझे लगता है कि मेडिसिन्स के नाम भी इनसे ज़्यादा इजी होते हैं रादर देन आर्टिस्ट के नाम, क्योंकि फॉरेन आर्टिस्ट है, फॉरेन के नाम ऐसे ही होते हैं, डेविड, सुसी और बहुत बड़ा बड़ा नाम होता है। ओके, तो दूसरे आर्टिस्ट है पार्मिजियानो, ये भी मैनरिज्म के आर्टिस्ट हैं। तीसरा है सैंड्रो बोत्तिचेली, बहुत इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं, मैनरिज्म के आर्टिस्ट हैं सैंड्रो बोत्तिचेली। नोट डाउन कर लीजिए। सैंड्रो बोत्तिचेली, ये सारे मैनरिज्म के आर्टिस्ट हैं। जैसे कि हाई रेनेसां के आर्टिस्ट हैं कौन कौन? टिसियन हैं, दांते ब्रामांते हैं, लियोनार्डो हैं, मिकल एंजिलो हैं, राफेल हैं, जियोर्जियोने हैं। उसी तरह से मैनरिज्म के आर्टिस्ट हैं पोंतोर्मो, पार्मिजियानो, सैंड्रो बोत्तिचेली, टिंटोरेटो, ये भी मैनरिज्म के आर्टिस्ट हैं। और इनके काम का नाम है द लास्ट सपर। द लास्ट सपर, अब जल्दी से मुझे बताइए कि द लास्ट सपर सबसे पहले किसने बनाया था? कौन से वेस्टर्न आर्टिस्ट ने सबसे पहले लास्ट सपर बनाए थे? कमेंट मी राइट नाउ विथ मीडियम। लास्ट सपर का मीडियम क्या है और किसने बनाए थे? मुझे लगता है मैं अपने चैनल पे कम से कम 30-40 बार इस आर्टिस्ट का नाम ले चुकी हूँ और इसके बारे में बता चुकी हूँ। लास्ट सपर टिंटोरेटो ने तो बनाया है, बट टिंटोरेटो ने बाद में बनाया है। टिंटोरेटो के पहले एक आर्टिस्ट बना चुके हैं, उनका नाम बताइए। ये पूछ रहे हैं महेश सिंह कि ये कौन से सेंचुरी के हैं, तो ये सारे ही 16 सेंचुरी के आर्टिस्ट हैं और मिड 15 सेंचुरी। मिड 15 सेंचुरी कहने का मतलब ये हुआ कि 1564 के बाद के, या फिर ऐसा आप समझ लीजिए कि 1550 के बाद के, क्योंकि हाई रेनेसां के बाद के हम बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, मिड 15 सेंचुरी टू 16 सेंचुरी के हैं मैनरिज्म। बिल्कुल सही जवाब है जयत्री जी, सोनाली जी, न्यूतू जी। बट मुझे ये भी बताइए आप साथ में कि लास्ट सपर का मीडियम क्या है? लियोनार्डो दा विंची ने तो बनाया है, बट लियोनार्डो जी ने कौन से मीडियम में बनाए हैं? ऑयल में है, पेपर पे है, किस क्या है? बिल्कुल सही जवाब आ चुका है मुझे, फ्रेस्को इज़ द राइट आंसर। सैंड्रो बोत्तिचेली के एक काम का नाम यहाँ पे है द बर्थ ऑफ वेनस, बहुत इम्पॉर्टेंट काम है। मैं सोच रही हूँ नेक्स्ट जो क्लास लूँ उसमें हम सैंड्रो बोत्तिचेली को ही लेके आए। द बर्थ ऑफ वेनस जो कि सैंड्रो बोत्तिचेली का है। म्यूरल फ्रेस्को बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। अच्छा मैं कह रही हूँ कि नेक्स्ट क्लास क्या सैंड्रो बोत्तिचेली पे ले लिया जाए, जल्दी से कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्लास सैंड्रो बोत्तिचेली पे ले लें। ओके आप लोग कमेंट कर दीजिएगा बाद में या टॉपिक बता दीजिएगा। ठीक है नेक्स्ट है आपका एल ग्रेको। एल ग्रेको भी मैनरिज्म के आर्टिस्ट हैं। एल ग्रेको भी मैनरिज्म के आर्टिस्ट हैं। रीनू वर्मा यस मैम ठीक है। सैंड्रो बोत्तिचेली नेक्स्ट क्लास ले लेंगे। और लोग अगर कॉमेंट करते हैं तो नाम लिखिए, इस तरह से लिस्ट लीजिए और अपने वॉल पे चिपकाइए जिस तरह से मैं लिखी हूँ। ये देखिए एक साथ लिखा हुआ है। ये सबको एक साथ लेके हाई रेनेसा का आर्टिस्ट को अलग लिखिए, अर्ली रेनेसा आर्टिस्ट को अलग लिखिए, सॉर्डर्न रेनेसा के आर्टिस्ट को अलग पेज में लिखिए, नॉर्दर्न रेनेसा के आर्टिस्ट को अलग पेज में लिखिए, मैनरिज्म के आर्टिस्ट को अलग पेज में लिखिए, नियो क्लासिज्म के आर्टिस्ट को अलग लिखिए, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म के आर्टिस्ट, सब आर्टिस्ट को अलग अलग करके वॉल पर चिपका लीजिए और उसे डेली सुबह शाम देखिए। ऐसे ही आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा। चलिए थोड़ा पानी पीते हैं, हमने कहा था सबको पानी साथ में लेके बैठने के लिए। मैम वेस्टर्न की क्लास तो आप सीक्वेंस से ले लीजिए। ठीक है सीक्वेंस से ही हम लेंगे। रोमन आर्ट हम करवा रहे थे, रोमन आर्ट के बाद का हम देख लेते हैं। ठीक है रोमन आर्ट के बाद का हम देखेंगे। ओके एल ग्रेको हो गया। अब है कारावाजियो। आई डोंट नो डबल जी होगा या नहीं। एनीवे कारावाजियो ये भी मैनरिज्म के आर्टिस्ट हैं। ठीक है सीक्वेंस से ही लेते हैं, वो भी आप लोग के लिए भी सही रहेगा। ऐसे बोत्तिचेली करवा देंगे फिर कभी और कुछ करवाएंगे तो सही नहीं रहेगा। तो हम रोमन आर्ट में चर्च के बारे में बात किए थे। अगर रोमन आर्ट में कोई स्कल्पचर्स वगैरह कुछ मुझे ऐसा इंपॉर्टेंट मिलता है, अभी बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट लाऊंगी। ठीक है नीतू जी सीक्वेंस से लाऊंगी बट इंपॉर्टेंट चीज़ लाऊंगी। जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम है नहीं और ऐसे भी हम ये एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हैं तो डिटेल में नहीं जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट है उसको हम पढ़ेंगे। कारावाजियो तो ये सारा लिस्ट दे दी हूँ। मैनरिज्म के आर्टिस्ट कौन कौन है याद रखना है। पोंतोर्मो, पार्मिजियानो, सैंड्रो बोत्तिचेली, टिंटोरेटो, एल ग्रेको एंड कारावाजियो। ओके तो यहाँ पे क्लास ख़त्म होते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी राइट नाउ। आई डोंट थिंक सो कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस। मैं इतने अच्छे से करवाई हूँ। जो लास्ट में आए हैं वो वीडियो को स्टार्ट से देख सकते हैं। ओके, एक बार जल्दी से मैं फिर से अपने चैनल आप लोग को दिखा देती हूँ कि चैनल को कैसे देखना है। बहुत लोग को चैनल देखने नहीं आता है। तो ये देखिए जैसे ही आप हमारे गो थ्रू फाइन आर्ट जैसे कि मान लीजिए ये वीडियो जो चल रहा है इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप इस पेज पे खुल जाएंगे। ये जो पेज आपके सामने है ऑटोमेटिकली आप इस पेज पे आ जाएंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो ठीक है। इस पे क्लिक करने के बाद जैसे ही आप इस पेज पे आ जाएंगे तो आपको करना ये है कि वीडियोज़ में जाना है। ये वीडियो वाले पे क्लिक करना है तो मेरे जितने भी वीडियो हैं आप लोग को आ जाएंगे। जिनको प्लेलिस्ट में जाना है, जिनको मेरे सारे वीडियो देखना है वो प्लेलिस्ट में जाएं। और साथ ही साथ ये कम्युनिटी आप लोग ज़रूर चेक कीजिए। देखिए ये कम्युनिटी है और इस कम्युनिटी पे हम जैसे ही क्लिक किए तो यहाँ पर जो पोस्ट करती हूँ देखिए है मात्र 3 लाइक आए हैं। प्लीज़ जाइए और यहाँ पर लाइक कीजिए और कॉमेंट भी कर सकते हैं कोई क्वेश्चन है तो। यहाँ पर मैं बताती हूँ कि नेक्स्ट क्लास क्या होगा, टाइमिंग आप लोग चेक करते रहिए। कम्युनिटी में हम सब कुछ बताएंगे, जिस दिन क्लास नहीं होगा उस दिन मैं इसी टाइम पे यहीं पे बता दूंगी। बट बाय चांस कोई रीजन से, जैसे कि कल 10 मिनट क्लास, इमरजेंसी आ गया या फिर नेट का कोई इशू है या फिर कोई भी इशू ऐसा टेक्निकल इशू आता है तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता दूंगी। और साथ ही साथ आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाह रही हूँ कि आप लोग हमारे A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट वाले चैनल पे जाएं और वहाँ पे जाके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब विजुअल आर्ट पे और इसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड, ICT, सिलोलिज्म, न्याय निगमन करते रहिए। प्लेलिस्ट में जो नए हमारे चैनल पे जुड़े हैं, जिनको वीडियो पहले नहीं देखे वो देख सकते हैं। देखिए कितना सारा। तो क्लास कैसी लगी जल्दी से बता दें। और जो जो अभी तक लाइक नहीं किए, रवींद्रनाथ टैगोर पे मैं वीडियो बना दी हूँ, ये अगर आप देख लेंगे तो आपका 2 नंबर यहाँ से हो जाएगा, 2 नंबर आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। और पुराने पेपर जहाँ के भी रहते हैं वो जरूर देखिए, चाहे वो KVS हो, NVS हो, DSSB हो। ऐसा मत सोचिए कि UGC नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो KVS का पेपर क्यों देखें, देख सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे हम देखिए उत्तर प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, ये सब करवा चुके हैं। ओके मैम क्लास के नोटिफिकेशंस नहीं आया, रीतु सी कह रही है कि नहीं आया। पता नहीं, मैं बता नहीं पा रही हूँ कि कुछ लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्या आप लोग मुझे सॉर्ट आउट करके बताएंगे। महेश सिंह भी कह रहे थे कि क्लास की नोटिफिकेशंस नहीं आती है। देखिए 9:30 बजे मैं लाइव क्लास लेती हूँ, रीतु सिंह मैं क्लास 9:30 बजे लेती हूँ, तो आप लोग 9:30 बजे ऑटोमेटिकली आ जाइए। और नोटिफिकेशंस नहीं आती तो ये देखिए कम्युनिटी वाले चैनल है, कम्युनिटी पर मैं बता देती हूँ कि मेरा वीडियो कब आने वाला है। जैसे यहाँ पर देखिए हम बता दिए थे कि आज क्लास क्या होगा। आज क्लास होगा आपका टेस्ट, मॉडल सेट और लाइव क्लास होगा 4 अक्टूबर को, संडे को। और साथ ही साथ जो प्रीवियस वीडियो मिस किए हैं, इस लिंक को क्लिक करके प्रीवियस वीडियो, इसको क्लिक कीजिएगा तो प्रीवियस लाइव क्लास पे आप जा सकते हैं। यहाँ भी प्रीवियस लिंक दे दिए हैं, प्रीवियस जो हमने लाइव क्लास लिए थे या फिर प्रीवियस जितने भी वीडियो शूट किए हैं, और वहाँ पर भी आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। या नोटिफिकेशंस क्यों नहीं आ रही है तो आप देख लीजिए, जब महेश जी को आने लगा है तो आपको भी आएगा। अभी मैं आपको बता देती हूँ कि नोटिफिकेशंस क्यों नहीं आ रहा, जस्ट ए सेकेंड। ओके, नीतू जी स्पेशली आपके लिए है। आप एक काम कीजिए, आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो अच्छी बात है। सब्सक्राइब करने के बाद यहाँ पे बेल आएगा, बेल में लिखा होगा ऑल, पर्सनलाइज्ड और एक कुछ होगा, तो आपको ऑल वाले पे करना है। ऑल वाले घंटी पे क्लिक करना है तो नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। रीतू जी आप नोटिफिकेशंस को ऑल पे करें, इस तरह का घंटी आ जाएगा। जैसे ही आप ऑल पे कर देंगे आपको ऐसी घंटी दिखाई देगी, जैसी घंटी मेरी वीडियो में आप देख पा रहे हैं। अगर ऐसा घंटी आता है, 2 ऐसा रहेगा और इस तरह से रहेगा, दैट मीन्स कि आपका नोटिफिकेशंस ऑन हुआ है, तभी नोटिफिकेशंस आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। इसीलिए मैं सबको कहती हूँ कि सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं ख़त्म करना चाहूँगी। गुड नाइट कर दीजिए जल्दी जल्दी सभी। ठीक है रीतू जी, आप इसी तरह से। ओके मैम मैंने कर लिया, ठीक है। अब कल से आपको मिलने लगेगा ऑल पे, सभी को नोटिफिकेशंस बेल ऑन ऑल पे करना है तभी नोटिफिकेशंस आएगी। ओके तो गुड नाइट एवरीवन, मिलते हैं कल फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड ड्रिंक वाटर मोर। इफ़ यू ड्रिंक वाटर यू विल बी कीप हाइड्रेटेड योर बॉडी। बाय बाय, बंद करते हैं।